जो उम्मीदें अलाइव थी उसको काफी हद तक जो वो नुकसान पहुंचे, और आज श्रीलंका बिल्कुल पाकिस्तान की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सका, पूरे तरीके से बुरे तरीके से श्रीलंका जो है पिटा है, और 171 पर श्रीलंका जो है वो ऑल आउट हो गया है। अब अगर न्यूजीलैंड को इस मैच को जीतना है तो उनको बनाने होंगे 172 रन, जो कि मुझे लगता है कि बासानी बन जाएंगे। बहुत बहुत पुअर क्रिकेट खेली श्रीलंका ने, इंतहाई बुरी क्रिकेट जो है श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिली। कंडीशन जो थी, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग दी श्रीलंका को और बेस्ट उस कंडीशन को यूटिलाइज किया और श्रीलंका की पूरी टीम को 171 पर उठाकर बाहर कर दिया। ये है कि आप 170 जो है ना वो इतना भी बुरा, देखिए हम जीतने वाला टोटल तो खैर है ही नहीं, लेकिन आपने अपनी नाक भी ऊपर रखनी है, आपने चैंपियन ट्रॉफी में अपनी जगह भी बनानी है, तो जान तो आपको कहीं ना कहीं मारनी पड़ेगी। आपको जो आखिरी तरफ बैटिंग में तो जान फेंकना पड़ेगा यहाँ पे। इनको अर्ली विकेट लेने, मधुशंका को पहले 2-3 ओवर में 3 आउट करने हैं, दूसरे बॉलर को जो भी बॉलिंग करेगा उसको भी विकेट निकालने, पावर प्ले के अंदर आप 4 आउट कर देते हैं तो न्यूजीलैंड को भी लग पता जाएगा चेस करने के अंदर। देखिए शायद थोड़ी बारिश आ जाए, कुछ हो जाए ना, इस ये बारिश आई और ना इस श्रीलंका में कोई हमारी पाकिस्तान की टीम की तरह ना कोई शर्म आई। और न्यूजीलैंड दे आर फाइटिंग इट हार्ड, इट वॉज अ बिट फ्रस्ट्रेटिंग फॉर देम, क्योंकि आखिरी वाली जो पार्टनरशिप है वो काफी च्युइंगम की तरह चिपक गई, लेस हो गई, और उससे जान छुड़ाते छुड़ाते उनको काफी वक्त लग गया। 33वें ओवर की पहली गेंद पे आउट हो गया था भाई चमेरा, 9वीं विकेट। उसके बाद फिर अभी जाके ये 47वें ओवर की 4 गेंदें खेल के फिर जाके आउट हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वापसी की टिकट कट चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से श्रीलंका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी में बैटिंग की है ऐसा किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं था, जहां पर श्रीलंका की टीम पूरी 171 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई है। और अब ये स्कोर न्यूजीलैंड के लिए इतनी आसान हो गई है क्योंकि न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी बहुत ही धुआंधार तरीके से शुरू कर दिए, पहले 10 ओवर में ही 80 रन ठोक दिए है, और अब ऐसा लग रहा है कि 20 से 25 ओवर में वो बाकी के रन्स भी पूरे कर लेंगे। वहीं पर अगर न्यूजीलैंड जीत गई तो कम से कम 200 रन के मार्जिन से पाकिस्तान को इंग्लैंड को हराना होगा, और ये इम्पॉसिबल है। और जो भी कोई स्कोर अगर इंग्लैंड पहला बैटिंग करती है तो पाकिस्तान को उसे 18 से 14 ओवर में कंप्लीट करना होगा, वो भी इम्पॉसिबल है। इसका मतलब यह है कि इस वर्ल्ड कप से पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब पूरी तरह आउट हो चुकी है, और पाकिस्तानी मीडिया अब अपने ही टीम को कोस रहा है कि ये पाकिस्तानी टीम हर दफा दूसरे टीमों के ऊपर डिपेंड रहती है सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन के लिए, और जब जाकर दूसरी टीम अच्छी परफॉर्म करती है तो पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल से बाहर हो जाती है। कब तक पाकिस्तान ऐसे ही अपनी क्रिकेट खेलती आएगी? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। पाकिस्तान की जो होप्स थी, जो उम्मीदें अलाइव थी, उसको काफी हद तक जो वो नुकसान पहुंचे, और आज श्रीलंका बिल्कुल पाकिस्तान की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सका, पूरे तरीके से बुरे तरीके से श्रीलंका जो है पिटा है, और 171 पर श्रीलंका जो है वो ऑल आउट हो गया है। अब अगर न्यूजीलैंड को इस मैच को जीतना है तो उनको बनाने होंगे 172 रन, जो कि मुझे लगता है कि बासानी बन जाएंगे। बहुत बहुत पुअर क्रिकेट खेली श्रीलंका ने, इंतहाई बुरी क्रिकेट जो है श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिली। कंडीशन जो थी, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग दी श्रीलंका को और बेस्ट उस कंडीशन को यूटिलाइज किया और श्रीलंका की पूरी टीम को 171 पर उठाकर बाहर कर दिया। ब्रेक हुई है, इसके अंदर वो ये देख रहे होंगे अगर हम 35 ओवर में चेस करते हैं हमारा रन रेट पाकिस्तान से कितना बेहतर होगा, अगर हम 30 ओवर में करते हैं तो कितना अच्छा होगा, वो पूरी कैलकुलेशन के अंदर जाएंगे। वो ये भी देखेंगे पाकिस्तान को मैक्सिमम कितना मार्जिन देना है अगेंस्ट इंग्लैंड, कितने ओवर में चेस करें जो इम्पॉसिबल हो जाए पाकिस्तान के लिए,
क्वालिफाई करना जीत ही ना पाए इस मार्जिन से। और नहीं सही, इंग्लैंड के कैप्टन ने कसर पूरी कर दी कि हमारा वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गया लेकिन हम इंडिया में अपनी एंडिंग अच्छी करेंगे। मतलब कि सबको पाकिस्तानी नजर आ रहा है। वो तो कहने की बातें हैं ना, वो तो मैच के दिन देखेंगे। जिस तरह इंग्लैंड की बैंड बजी हुई है, इंग्लैंड जिस तरह नेदरलैंड के खिलाफ भी खेला है, मैं नहीं समझता कि वो इतना अच्छा खेला है। 6 आउट उनके हो गए थे, वो तो उनका स्टॉक खड़ा हो गया तो जरा बेहतर हो गया। पाकिस्तान इंडिया बन जाए 50 पे आउट करे इंग्लैंड को, करे क्यों नहीं हो सकती? लंका हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? आपके पास बुमराह, शामी और वैसे बात नहीं है, कहां से आप ले कराएंगे? मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आप 170 जो है ना वो इतना भी बुरा। देखिए हम जीतने वाला टोटल तो खैर है ही नहीं, लेकिन आपने अपनी नाक भी ऊपर रखनी है, आपने चैंपियन ट्रॉफी में अपनी जगह भी बनानी है, तो जान तो आपको कहीं ना कहीं मारनी पड़ेगी। आपको जो आखिरी तरफ बैटिंग में तो जान आपको फेंकना पड़ेगा यहाँ पे। इनको अर्ली विकेट लेने, मधुशंका को पहले 2-3 ओवर में 3 आउट करने हैं, दूसरे बॉलर को जो भी बॉलिंग करेगा उसको भी विकेट निकालने। पाप प्ले के अंदर आप 4 आउट कर देते हैं तो न्यूजीलैंड को भी लग पता जाएगा चेस करने के अंदर। देखिए केन विलियमसन अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन खेलता था, आज वो तेज नहीं खेलेगा उसी बल्लेबाजी आई, आज वो मैच फिनिश करके जाएगा क्योंकि उसको पता है कि मैंने कितने किसके लिए आज से चलना है। फिर मगर शिखर सब खत्म हो गया, अब लाहौर एयरपोर्ट। देखो पाकिस्तान के लिए बहुत ही हार्ट ब्रोकन है, टोटली हार्ट ब्रोकन है। पाकिस्तानी फैंस के लिए दिल टूटने वाली मोमेंट्स है, क्योंकि श्रीलंका से हमने उम्मीदें लगाई थी कि श्रीलंका हमको रेस्क्यू करेगा, लेकिन इस टाइम हालात बिल्कुल बदलते जा रहे हैं। ऑफ बैटिंग हो चुकी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की उम्मीदें जो एक धागे से लटकी हुई थी, ऐसा लग रहा है कि वो धागा बिल्कुल टूटने के करीब है। इस टाइम न्यूजीलैंड ना सिर्फ ये मैच जीतने के करीब है, बल्कि न्यूजीलैंड श्रीलंका को बंबूजल करने वाला है। और पाकिस्तान और पाकिस्तान के फैंस के लिए इस टाइम टोटली हार्ट ब्रोकन मोमेंट्स है। सिचुएशन पाकिस्तान के हाथ से निकलती जा रही है, क्योंकि अली साहब अब अगर न्यूजीलैंड ये 25 ओवर में टारगेट चेस करता है तो पाकिस्तान के लिए नामुमकिन हो जाएगा, और शायद से पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड से पहले ही पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की कैंपेन लग ऐसे रहे कि आज ना सिर्फ खत्म हो जाएगी बल्कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वर्ल्ड कप बता दे और वर्ल्ड कप शायद से पाकिस्तान के लिए आज फुल स्टॉप लगने जा रहा है। अच्छा जी, ये टेबल के मुताबिक अगर न्यूजीलैंड जो चेस करता है ये टारगेट 35 ओवर में, तो पाकिस्तान को इंग्लैंड को हराना होगा 225 रन से, या फिर पाकिस्तान को टारगेट चेस करना होगा जो भी इंग्लैंड देगा 14 ओवर में इनके नेट रन रेट को बीट करने के लिए। और अगर ये न्यूजीलैंड की टारगेट चेस करता है 40 ओवर में, तो पाकिस्तान को जीत हासिल करनी होगी 193 रन की जीत, और पाकिस्तान को टारगेट चेस करना होगा 19 ओवर में। और अगर न्यूजीलैंड की टारगेट चेस करता है 45 ओवर में, तो पाकिस्तान को जो है 160 रन की जीत चाहिए होगी, और अगर पाकिस्तान चेस करता है तो 23 ओवर। ऐसा लग रहा था कि वो अब इस चक्कर में आएंगे किसी तरीके से पूरे करें ओवर, शायद थोड़ी बारिश आ जाए, कुछ हो जाए। ना इस ये बारिश आई और ना इस श्रीलंका में कोई हमारी पाकिस्तान की टीम की तरह ना कोई शर्म आई। और न्यूजीलैंड दे आर फाइटिंग इट हार्ड, इट वाज अ बिट फ्रस्ट्रेटिंग फॉर देम, क्योंकि आखिरी वाली जो पार्टनरशिप है वो काफी च्युइंगम की तरह चिपक गई, लेस हो गई, और उससे जान छुड़ाते छुड़ाते उनको काफी वक्त लग गया। 33वें ओवर की पहली गेंद पे आउट हो गया था भाई चमेरा, 9वीं विकेट। उसके बाद फिर अभी जाके ये 47वें ओवर की 4 गेंदें खेल के फिर जाके आउट हुए, और 128 पे 9 आउट थे, 171 तक पहुंच गए हैं। लेकिन इट्स नॉट इनफ। देखें पिच ऐसी है कि जिसमें उनकी टेल अपने करियर के बेस्ट रन्स बना रहे हैं, तो फिर उस पिच पे न्यूजीलैंड अब देखें क्या करेगा। और न्यूजीलैंड ने हंसते खेलते ये चेस कर लेना है। देखो ये 200 अनबिलीवेबल है। आप अब क्या वो इंग्लैंड है या क्या वो है, उसको काट दें, उसको पकौड़ा बना दें, उसका ऐसे तो नहीं होता ना यार, मजाक थोड़ी हो रहा है यहाँ पे। क्या बोलो 200 से 250 से हरा दोगे, 350 से हरा दोगे, ये तो मजाक वाली बात है ना, ये रियलिटी तो नहीं है, ये तो मजाक वाली बात है। लेकिन इस टाइम देखो हकीकत यह है, हमें अपने गरिमान में झांकना चाहिए। हम अगर दूसरों पर इतना डिपेंड कर रहे हैं, और सॉरी टू से इतनी कोई बकवास क्रिकेट लिया श्रीलंका ने, यार तुम्हारा कुशाल पेरेरा खेल रहा, तुम थोड़ी देर सबर तो करो यार, थोड़ी देर विकेट से करो। बनता है कि दूसरों का सहारा लेना छोड़ दे पाक टीम, बिल्कुल जीत बात ठीक कर रहे हैं।